तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, और डे बाय डे फॉलो करने की कोशिश कीजिए वीडियोस को, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपका रूटीन बन पाए, क्योंकि रूटीन से ही कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होता है। आप एक दिन बहुत सारा पढ़ लीजिए 2 महीने और फिर अपना रूटीन तोड़ दीजिए, तो उससे कुछ नहीं होता। तो पहला जो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल था, जबकि हम कह सकते हैं इसको कि पत्थरों का काल इसे कह सकता है, जबकि कुछ नहीं लिखा गया था। इसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। फिर दूसरा जो आता है उसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसमें कुछ लिखा तो गया, लेकिन उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। अब तीसरा जो है वो काल है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जबकि कुछ लिखा गया है और हम उसको पढ़ भी पा रहे हैं। मैं आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कौन कौन सी चीजें क्या क्या हैं। अब स्टोन एज जो है इसको फिर से तीन पार्ट में बांटा गया है। इसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। अगर आप इंग्लिश से हैं तो आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं कि जो सबसे पहले पूरा पाषाण काल स्टोन एज, तो ये था आपका 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। 5 लाख से, याद रखिएगा इसे, 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, आपको इसे याद रखना है, ईसा पूर्व। दूसरा जो है आपका वो है आपका मध्य, जो मिडिल एज थी स्टोन एज, ये आपका है 8,000 से 4,000 तक, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये चीजें नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी तो आपको आगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। इन चीजों को अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को पढ़ना है। जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उतने ज्यादा फैक्ट्स याद होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार 1,000 क्वेश्चन याद कर लेता हूं, उससे मेरा कुछ बन जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं गारंटी कि 1,000 अगर आप कुछ क्वेश्चन तैयार कर भी लेते हैं, तो मेरा मानना ये है कि उससे सिर्फ आपके 7 to 8 और 10 क्वेश्चन ही वहां एग्जाम पेपर में आ पाते हैं। आज कंपटीशन बढ़ चुका है, आपको 1 लाख 2 लाख चीजें याद होनी चाहिए, जिससे कि आगे, और ये सब अंडरस्टैंडिंग के दम पर ही हो सकता है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अब आगे देखते हैं 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक, तो ये आपको लिखना है। अब आते हैं हम जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। यहां देखिए ये तीन में बांटा गया है और ये आपका बांटा गया है दो में। तो दो जो है वो कौन कौन से हैं? दो हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपको याद रखना है, और जो दूसरा इसका पार्ट है वो है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपकी 2500 से, आप देख सकते हैं कि कनेक्शन बना हुआ है यहां से 2500 तक, ठीक है। तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता, और जो वैदिक सभ्यता है ये है आपका 1500 से 600 तक। अब इसको आपको कंप्लीटली इसे समझना है। अब जो वैदिक सभ्यता थी 1500 से 600 तक, उसको फिर से दो में डिवाइड किया हुआ है। वैदिक सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को हमने दो में डिवाइड किया। पहला है ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक काल, इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल, जो कि आपका है 1500 से 1000 तक। चीजों को कैटेगराइज करने के लिए टाइमलाइन बहुत जरूरी होती है। ये मैंने इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हुए भी काफी फील किया कि अगर आपको टाइमलाइन बहुत अच्छे से याद रहती है तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। अब दूसरा है आपका 1000 से, सॉरी, आपका ये है आपका ऋग्वैदिक काल, और दूसरा होता है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल जो है वो आपका है 1000, आप देख सकते हैं कि 1000 यहां से 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, इतना आप लोगों को याद करना है। अब आते हैं फिर से ऐतिहासिक काल पे। ऐतिहासिक काल को चार पार्ट में बांटा हुआ है, इसमें हम देखेंगे पूरे चारों पार्ट। पहला जो है वो है आपका प्राचीन काल। प्राचीन काल आपका है 600 से आपको 712 तक याद रखना है। दूसरा है फिर मध्यकालीन। अब देखो इससे मध्यकालीन जैसे ही आप देखेंगे तो मध्यकालीन जो भारत है या युग है भारत का, वो है आपका 712 ईस्वी से, ठीक है। याद रखना है ये ईस्वी है, अब ईस्वी शुरू हो चुकी है। कहां से? 712 से ईस्वी शुरू हो चुकी है, ये ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है। तो मध्यकालीन भारत 712 से शुरू हो रहा है,
और 1707 तक है, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे कि इसको प्राचीन काल को भी दो से ज्यादा पार्ट में, सॉरी, ये आपका 6 पार्ट में बटा हुआ है, और जो आपका मध्यकालीन जो पार्ट है वो आपको 2 भागों में बटा हुआ है। उसके बाद आता है आपका आधुनिक आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल जो है वो है आपका 1707 से लेके 1964 तक, ठीक है। और फिर हम एक चौथा पार्ट उसको मान सकते हैं आधुनिक आधुनिक विश्व, ठीक है, जो अभी जो मॉडर्न जो एज चल रही है वो हम 14वीं शताब्दी के बाद से मानना शुरू करते हैं, 1950 तक। सॉरी, इसको आप देख सकते हैं 1950 से तक। तो ये हैं आपके 4 पार्ट। अब हम देखेंगे कि जो प्राचीन भारत था उसके 6 पार्ट कौन कौन है। तो प्राचीन भारत में जो सबसे पहले पहला काल है वो है आपका महाजनपद काल, और दूसरा पार्ट है आपका मगध का, जो मगध साम्राज्य है। तीसरा है आपका मौर्य, ध्यान रखिएगा, दूसरा मौर्य साम्राज्य। फिर आता है आपका मौर्योत्तर। थोड़ा बोरिंग भी हो सकती है हिस्ट्री शुरुआत में, लेकिन बाद में मुझे पता आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। फिर उसके बाद आता है आपका गुप्त काल, और फिर आपको आएगा लास्ट में हर्षवर्धन का टाइम, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले मुझे हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने इसे इन डेप्थ समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे आज की डेट में बहुत मजा आता है इसमें। अब देखते हैं, ये जो महाजनपद काल था ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, ठीक है, ये 6वीं शताब्दी की बात है। और जो मगध साम्राज्य है ये आपको 600 ईसा पूर्व से 300 तक है, ईसा पूर्व तक है। फिर ये है आपका 323 ईस्वी पूर्व से, ये आपको याद रखनी है सारी चीजें, 184 ईस्वी पूर्व तक। जो मौर्योत्तर काल है वो आपको याद रखना है 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक, ये आपका ईस्वी है, ठीक है, 313 ईस्वी। और जो गुप्त काल था, गुप्त काल आपको याद रखना है कि 319 ईस्वी से 550 ईसा तक। और हर्षवर्धन का जो लास्ट वाला जो इसमें काल है वो है 606 से 647 ईस्वी तक। अब बात आती है मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है पूर्व और दूसरा है उत्तर। मेरे पास थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो चीजें हो सकती हैं इधर उधर, पर आपको मैं पढ़ के बता रहा हूं इसलिए आप लोग उन्हें इजीली समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसमें हम 3 चीजों में पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो मुस्लिम शासक थे, जो भी मध्यकालीन जो भी शासक रहे, उन्होंने एक औरंगजेब भी है जिसने पूरे भारत में, और पूरे भारत में भी नहीं, उन्होंने ये जो महाराष्ट्र वाले एरिया था कुछ वो चीजें छूट गई थी और नीचे का, क्योंकि पूरे भारत को मेंटेन करना, शासन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल पड़ता था, इसलिए हमेशा क्या रहा कि 3 पार्ट में बटा रहा भारत। तो आप इन चीजों को याद रखिए, 3 पार्ट कौन कौन से बटा रहा, एक उत्तर भारत था, एक दक्कन का जो एरिया है, और एक है आपका दक्षिण भारत। तो इस तरह से 3 पार्ट में हमेशा तकरीबन बटा रहा इंडिया। इवन अगर हम देखें कि जो ब्रिटिश थे उनके काल में भी ये चीजें हमें देखने को मिली। तो उत्तर भारत में आप लोगों के जो थे उस टाइम, पूर्व में जो थे वो थे आपके राजपूत, और ऊपर आपको पाल देखने को मिलेंगे, और गुर्जर थे, गुर्जर प्रतिहार। अब इन चीजों को ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे तो बाद में आपको फैक्ट्स याद नहीं होंगे, और फिर आप कहेंगे कि इतने सारे फैक्ट्स कैसे याद रहते हैं आपको। तो क्योंकि ये सारी टाइमलाइन अगर आपके दिमाग में फिट बैठी है, इसको मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि कम से कम 2 से 3 दिन इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद है आपका चालुक्य, चालुक्य वंश था, फिर था पल्लव, ठीक है, और फिर एक थे आपके राष्ट्रकूट। अब इनकी अलग अलग टाइम लाइन बनेंगी बाद में, और इनको हम इन डेप्थ समझेंगे कि किस जो शासक थे उन्होंने कौन सी चीजें क्रिएट की। दक्षिण भारत में जो थे उस टाइम पे वो थे चेर और पांड्य, चोल, जैसे राजेंद्र चोल जो थे काफी महान शासक हुए थे, और शाही चोल। अब देखते हैं उत्तर भारत, जो उत्तर मध्यकालीन भारत था उसमें कौन कौन थे। उत्तर भारत के मैंने आप लोगों को बताया कि जो उत्तर
फिर हाँ उत्तर भारत, और ये दोनों चीजें कंफ्यूजिंग हो गई। मध्यकालीन जो है, उत्तर मध्यकालीन पूर्व मध्यकालीन की बात करें, अब जो इसमें था कि उत्तर भारत में कौन थे, जो उत्तर मध्यकालीन थे, तो उत्तर भारत मैंने कहा ना कि तीन चीजों में आप लोगों को इसे डिवाइड करके रखना है, दक्कन, और तीसरा है आपका दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत, तो तीनों में डिवाइड करना है। यहाँ उत्तर भारत में फिर आ गई थी दिल्ली सल्तनत, ठीक है, मुगल लोग आ गए थे, तो आपको दिल्ली सल्तनत थी यहाँ पे उस टाइम पे। शुरुआत में चौहान लोग थे और फिर मुगल लोगों ने यहाँ पे शासन किया था। उसके बाद आ जाते हैं दक्कन में, दक्कन में दो थे, विजयनगर, और जो दूसरा था वो था आपका बहमनी, बहमनी राज्य। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि चेर थे और देवगिरी और वारंगल, वारंगल के यादव ये थे, ठीक है। दो और थे वहां पे, काकतीय वंश, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है आपका काकतीय वंश, और आप बोल सकते हैं काकतीय के होयसल की, होयसल, ये अगर याद ना भी रहे तो तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी इसे आप लिख सकते हैं। तो ये वीडियो काफी लंबी हो गई है और काफी ज्यादा मैटर है 2-3 दिन के लिए रटने के लिए या समझने के लिए। इन चीजों को आप टाइमलाइन को बहुत अच्छे से कीजिए, आधुनिक वंश को थोड़ा सा और डिटेल में हम इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे उसकी टाइमलाइन को। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट।